हेलो गाइस, तो एक बार फिर आ गए हैं इस गाड़ी पर काम करने के लिए। कल पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसमें ये वायर हार्नेस बनाई थी बैलेंसिंग के लिए। बाकी इस सीट को मैंने उठाया, आज यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये इसका कंट्रोलर है, ये थ्री फेस की वायर जो सीधे मोटर में जा रही है। ये इसके कंट्रोलर में इनपुट नेगेटिव और पॉजिटिव का आता हुआ। तो ये जो जितनी भी 14 वायर्स हैं, ये जो बीच में से आ रही हैं वहाँ से, इनमें मैं लगाऊंगा ये कपलर, एक कपलर इन वायरों में और एक कपलर बैटरी के वायरों में, ताकि आपस में डिटैचेबल हो जाए, कभी भी निकाल सकें और कभी भी हम हटा सकें। अभी ये कार वाले कपलर रेडी हो गए हैं। सिमिलरली ये जो फीमेल कपलर है, ये लगेंगे बैटरी के टर्मिनल्स पर। अब इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, या पहले बैटरी के कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जितनी भी वायरिंग है, ये सारे मैं इस पर लगाऊंगा। ज़ीरो को छोड़ दूंगा, क्योंकि ज़ीरो हमें वहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा हैवी वायर वाला। वन से मैं स्टार्ट करूँगा। तो गाइस, आगे फ्रंट की जो बैटरीज हैं, जितनी भी सेल्स हैं, इन सब की वायरिंग मैंने कर दी है। पीछे ये कपलर लगा दिया है, जैसा आपने वीडियो में देखा था, ये वाले कपलर। अब यहाँ एक बार वोल्टेज चेक कर लूँगा, उसके बाद यही सिस्टम बैटरी में भी करेंगे। उसके बाद एज इट इज़ बैटरी यहाँ रख के कपलर टू कपलर इसको ऐड कर देंगे। तो ये है जी बैटरी, इसमें डबल डबल सेल लगे हैं 160 AH टोटल। और ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉइंट। यहाँ से इसी में सेम जैसे उसमें वायरिंग करी थी, वैसी बैलेंसिंग की वायर निकालनी है अलग। दो मेन वायर ये रहेंगी और फिर इसको कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, अब जो है थोड़ा टेक्निकली आ जाते हैं। मैंने अब एक डायग्राम बनाना है, जिसमें कार के वायरिंग के कपलर और बैटरी के वायरिंग के कपलर मैच करने हैं। तो उसके लिए मुझे सारी चीज़ नोट करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कौन सी वायर कहाँ है, क्योंकि एक भी वायर गलत लगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं उसका डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। तो ये डायग्राम है कार की बैटरी का, फिर उसके बाद बनाएंगे इस वाली बैटरी का। कार की बैटरी में जो जीरो नंबर से यानी पॉजिटिव आ रहा है, वो मेन वायर आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर वन से, जो कि हमारे कपलर नंबर 15 में जा रहा है। इसी तरह से 14, 13, 12, 10 तक इस कपलर में, 9 के बाद इस कपलर में, जो कि लास्ट के 1 तक होगा। और जो इसका 0 होगा यानी 16 होगा, वो मेन टर्मिनल का नेगेटिव होगा, ये वाला जो कनेक्ट होगा। ऐसे ही यहाँ मैं बनाता हूँ। अब वो फिर कपलर की मैचिंग करके उसी में उसको, उसी तार को उसी में कोरेंगे, ताकि वो मैचिंग कर जाए यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है जी। तो अब जैसे मैंने ये कार वाले कपलर का डिज़ाइन नंबरिंग करी है, इसकी नंबरिंग मैं इस पॉइंट से लेकर ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस तरह से लगेगा। तो मुझे नंबरिंग करनी है उल्टा रखकर इसको। तो अब जो पॉजिटिव से 15 नंबर की वो वायर आ रही है, पॉजिटिव के बाद वाले से, वो जाएगा लास्ट वाले में, यानी इस वाले पॉइंट में। ये जो देख रहे हैं, ये मेरी तरफ कॉर्नर वाला। तो इस तरह से मेरे को अब इसकी पेयरिंग करनी है। तो इसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये तार गड़बड़ हो सकता है। जैसे पॉजिटिव से सेकंड वाला, यहाँ से मुझे 15 नंबर से उल्टी गिनती काउंट करनी है, और यहाँ तक वो 1 तक आएगी, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस पर हम मैं मार्किंग कर देता हूँ, जैसे ये पॉजिटिव से लाता लिया था, तो 15 नंबर जैसे पॉजिटिव है कार का 0 नंबर, और कार का पॉजिटिव से फर्स्ट सेल जो है वो 15 नंबर वायर मैंने ऐड करा है, जो कि यहाँ कपलर में आ रहा है। दिखाता हूँ आपको,
ये जो पॉजिटिव वायर जा रहा है और एक जा रहा है ये नेगेटिव, ये वाला। तो पॉजिटिव से जो वायर जा रहा है इस वाले पॉइंट का, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ज़ीरो नंबर हमारे लिए। और ये जो वायर है ब्लैक वाला, इस पर टेप लगी है, 15 नंबर का वायर जा रहा है कपलर। तो मैं पॉजिटिव से सेकंड वाला जो है उसको 15 नंबर काउंट करके चलूँगा, ऐसे 15 देन 14, इस तरह से मैं उसको मार्क कर देता हूँ। तो मुझे पता है जो पॉजिटिव है वहाँ से सेकंड वाला 15 नंबर काउंट हो रहा है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, इस कपलर में मैं सेम पैटर्न में वायर डाल रहा हूँ। जैसे कि 15 नंबर में ये 15वें नंबर की वायर डाली जो कि बैटरी के अंदर 15वें नंबर पे पॉइंट पर जा रहा है, ऐसे 14 नंबर की ये वाली, ऐसे ही 13 नंबर पे, फिर 12 11, इस तरह से मैं इस पूरे कपलर को भर दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट कपलर का स्टार्ट करूँगा मैं। तो दोस्तों ये कपलर वायर लगभग 2 घंटे की मशक्क़त के बाद रेडी हो गई है, जो कि उसके साथ पेयर हो जाएगी। इसमें से देख देख के मैंने पेयरिंग कर दी है, तो बस अभी ये रेडी टू इंस्टॉल्ड है। फिर भी एक बार क्रॉस चेक के लिए हम इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे अलग से, ताकि कुछ मिसमैच ना हो। तो ये जो बैटरी है गाइस, इससे मैंने इसको जोड़ दिया है थ्रू डबल एंडरसन कनेक्टर, और अब ये वाला केबल कार का और ये वाला केबल बैटरी के बैलेंसर का जोड़ना है, और बैटरी यहाँ रख जाएगी बस। फिर जो है इसका बैकअप बढ़ जाएगा, फिर सारी चीज़ें वापस रीअसेंबल करनी है और अपना काम हो जाएगा। तो ये वायरिंग कनेक्ट हो गई है बैटरी से, और ये यहाँ से ये वायरिंग कनेक्ट हो गई है। बैटरी रख दी है ऊपर गाड़ी में, ये इसके सेल्स,